भाई क्या हुआ भाई भाई क्या हुआ हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल मेरा नाम है सुनील बाबा बुलेट को पता नहीं क्या हो गया कब से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई पता नहीं क्या हो गया है इतनी ड्राई की ना मैंने कहा थक गया अभी उसको फेंकू उठा गया सामान हो रहा है चलो भाई भाड़ में गई बुलेट और अभी कार भी लालू के पास है तो अब सोच रहा हूँ क्या करूँ लेकिन मेरे पास ही रुकना पसंद नहीं मैं उठ गया तो मेरे को ऑफिस सीधा दिखता है उठते ही नहाने के बाद ऑफिस ही दिखता है सीधा तो मैं ऑटो बुला लेता हूँ ऑटो में जाएंगे आज Me and my Bob waiting for a rickshaw, but Bob is not coming with me. भाई कब का मैं एक ऑटो के लिए वेट कर रहा था कब का बैठा हूँ फिर मैं कुछ रील्स देखने में लग गया तो फिर भूल गया तो ऑटो बुक की थी फिर अचानक याद आया फिर ऑटो बुक की थी अभी तक आया नहीं फिर ऐप पे जाके देखा तो ऑटो वाले ने कैंसिल कर दिया था मेरे को पता है मैं इधर बैठा हुआ पागल की तरह दूसरा ऑटो बुक किया आ रहा है इसको बोला कैंसिल मत करना नहीं तो और हाँ कल के व्लॉग में जो आपने देखा उस पे आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है तो बस उसी के लिए मैं वैलेंटाइन पे मुंबई भी जा रहा हूँ आपसी भाभी को मिलने तब भी बता दूंगा कि क्या है क्यों हम कल कपड़े देखने गए क्या चीज़ है सब चीज़ें बता दूंगा लेकिन जहाँ तक आप सोच पा रहे हो वहाँ तक सही सोच रहे हो ये भाई फाइनली भाई इतना वेट करने के बाद ऑटो आ चुका है चलते हैं आपका लॉन्ग टाइम चलो भैया आ गया लास्ट टाइम मैं बारिश के टाइम में आया था ऑटो में उसके बाद अभी बहुत टाइम बाद ऑटो किया मज़ा आता है अच्छा लगता है सो आ चुके हैं ऑफिस बस आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है ज़्यादा बस वीडियो लाइव करना है तो थोड़ा फिनिशिंग करना है एक आध घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा काम है फिर फ्री हूँ जब भी कसम से मेरे को मैं फ्री रहता हूँ ना मैं बहुत टाइम ऐसा होता है जब फ्री रहता हूँ और जब भी मैं फ्री रहता हूँ ना तब मुझे बैठ के यही सोचता हूँ कि मैं फ्री क्यों हूँ क्या मेरे पास कोई काम नहीं है क्या मैं सच में फ्री हूँ क्या मैं इतना नल्ला हो गया हूँ ऐसे सब मेरे को विचार आते हैं और उसमें मैं बिजी हो जाता हूँ फिर मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढता हूँ नहीं मैं फ्री हो ही नहीं सकता मैं कैसे मैं क्यों फ्री हूँ काम ढूंढता हूँ कुछ ना कुछ सर्च करता रहता हूँ कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देता हूँ मतलब फ्री रहना मेरे को पसंद नहीं है मैं छुट्टी ऐसा कुछ छुट्टी पे जाता हूँ ऐसा भी कुछ नहीं है लेकिन ऐसा क्यों हो गया है पता नहीं क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट लाइन में थे जॉब वॉब करते थे तब संडे को मस्त एंजॉय करते थे लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा उतना एंजॉय मैं नहीं ऐसा घूम रहा नहीं मैं खुद को टाइम ही नहीं दे रहा और जब भी मैं ऐसा सोचूं कि मैं कुछ ट्रिप प्लान करूँ या कुछ तो मेरे पास कोई काम में कुछ बिगड़ेगा नहीं काम कुछ रहेगा नहीं ऐसा मेरे को विचार बहुत फालतू के विचार आते हैं यार इसमें निकाल देते हैं और अपने बैकपैक में ये मेरा साधन बहुत भयंकर है तुम्हारी भाभी ने दिया था तुमको मैंने बताया लेकिन इसके अंदर इतना सामान आ जाता है ये इतना बैग है मैं आपको दिखाता हूँ एक तो ये स्पैक्स थे और ये स्पैक्स जो अभी मैं पहनूंगा ये सनस्क्रीन है मेरा चार्जर ऊनो की बुरी कैट मेरा स्पैक्स और गॉगल्स साफ करने का लिक्विड और कपड़ा हेयर सीरम पेन ड्राइव और करोड़ों रुपए इतनी सारी चीज़ें आ जाती है भाई इसके अंदर बहुत अच्छा है अभी मैं मुंबई जाऊंगा जा रहा हूँ परसों जाऊंगा तो नया लेके आऊंगा और उससे ही मांगूंगा मैं तू ही दिला मेरे को सो जस्ट कम्प्लीटेड एडिटिंग वर्क सब खत्म हो चुका है एक रील एडिट करना बाकी वैलेंटाइन का जो मैंने बनाया हुआ है वो करना है और वैलेंटाइन पे मेरे को और कुछ बहुत भयंकर सा कुछ बनाना है बट लेकिन मैं तीन चार दिन से सोच रहा हूँ कुछ स्ट्राइक नहीं आ रहा कुछ ऐसा कुछ बहुत सारे आइडियाज आए लेकिन कुछ वो जो एक फैक्टर रहता है ना कि जो सोच के ऐसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा कल मेरे को शूट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कल रात को मतलब परसों सुबह 4 बजे मैं निकल रहा हूँ मुंबई वैलेंटाइन डे है इसीलिए नहीं बट मैंने सोचा कि जा रही है मिलने तो फिर वैलेंटाइन पे क्यों ना जाए खुश हो जाएगी ना भाई क्या हुआ भाई ऐसे कैसे अचानक कॉम्प्लेक्स बंद करने को बोल सकते नीचे ले ये क्या हो रहा है अच्छा ये उर्विल को लेना है लाओ तेरे हुडी का कैमला इसको लगा देते हैं लेकिन ये आया ही है तो कुछ रखवाना है तो रखवा देते ऊपर कुछ भी रखवा देते ना हड्डी का ऊपर रखवा देते चलो भाई आज करने के लिए कुछ नहीं है फ्री हो चुके हैं अभी क्या करना है सवाल ही जाते हैं मेरे को कहीं पे जाने का मन कर रहा है कहीं तो जाते मतलब अभी थोड़ी जाएंगे अभी 2 बजे तो 4 बजे जाएंगे मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे जाकर बैठ सकते हैं अकेले तू है मैं हूँ तू है कब आने वाला ये अभी 12-13 को अभी 3-4 दिन में अच्छा तू इतना मतलब तैयारी भी करने लग गया बोला भी नहीं हमको सरप्राइज देना था और अभी तुम लोग को भी तैयारी करनी है ना भाई ओए लालो इसको पता है
ले मेरे को कोई बता क्यों नहीं रहा? तू राजस्थान था ना ब्रो? मैंने भी बुक कर दिया उसके साथ। तो आज ये काम बता दे ना भाई, मेरा भी बुक करके आते हैं। ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स तोड़ने आए थे, लेकिन पीएम मोदी से हमने बात करवाई और अभी वो लोग बात करने के बाद जा रहे हैं फिर से। पहचान बहुत है। सो अभी मुझे जाना पड़ रहा है घर साइड। सॉरी, मेरे को बार बार बोलना पड़ता है कि एक चीज़ जो नहीं बता सकता उस पर काम चल रहा है। तो जब थोड़े दिन की बात है, लास्ट 5 दिन के अंदर बता दूंगा। ये दूसरी वाली चीज़ जो कल अपने ब्लॉग में देखी, कपड़े लेने जा रहे वो अलग और ये अलग, दो चीज़ें। सो अभी तक डन नहीं हुआ है तो मैं नहीं बता सकता। भाई हम कबड्डी देखने गए थे, उसकी टिकट मिली। कौन सी तारीख की है? 3 दिसंबर। जनवरी फरवरी 2 महीने पहले की टिकट पड़ी हुई है अभी तक। उसके बाद कितनी बार वॉश में भी जाके आ गई तो भी। कबड्डी देखने गए थे भाई, स्टार स्पोर्ट्स ने हमें बुलाया था। ये जो डेली व्लॉग मैं नहीं कर रहा था ना, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें जो मेरे को दिखानी थी लेकिन दिखा नहीं पाया। लेकिन अब दिखाएंगे, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स के साथ फिर से एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। अभी IPL स्टार्ट होगी, तब से स्टार्ट होगी। स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में भी मैं गया था, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो लोग जुड़े हैं उन लोग को पता होगा, उन लोग ने देखा होगा। बाकी लोग रह गए, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, कर लो अभी। यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है। अयोध्या जा रहे भाई? बहुत लॉन्ग रूट पे जा रहा है, वैसे सो गया भाई लालू तो। वैसे लॉन्ग रूट तो लॉन्ग ही है। हाँ, रात को नहीं सोया उसके घर पे, पूरी नाइट पावर नहीं था। चलो तो अपना काम खत्म करके आ चुके हैं घर पे, और बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मैं जल्दी घर पे आ गया, ऑफिस के पूरा ऑपोजिट साइड था, तो मैंने सोचा क्या ही ऑफिस जाओ, काम तो सारा खत्म हो गया, वीडियो अपलोड करना था वो भी हो गया, तो मैं घर पे आ गया। और मम्मी खुश हो जाएगी, घर पे जल्दी आ गया लड़का। अभी थोड़ा नाश्ते का प्रबंध करते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी। आज मैंने खाना कुछ खाया ही नहीं, सुबह भी नाश्ता किया था, और अभी कुछ प्रॉपर खा लेता तो अच्छा रहेगा। सो गाइस, बहुत भूख लगी थी भाई, शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैंने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है अभी तक। लेकिन घर पे मैंने मना बोला था तो है नहीं, बनाया नहीं था। सो मैंने ऑर्डर कर लिया है, मजबूरन ऑर्डर करना पड़ा। बाकी मेरे को घर का ही खाना था, लेकिन था नहीं, मेरी गलती नहीं। चलो अपना खाना आ चुका है, मम्मी ने मेरे लिए कुछ बनाया नहीं था। आ गया भाई, इसको बुलाया किसने? जब भी मैं मैकडी लाता हूँ तो बॉब के लिए अलग से फ्राइज लाता हूँ, लेकिन आज मेरे को नहीं लाना क्योंकि वो सब उसको बंद कर देना है, एकदम बंद कर देना है, पागल हो जाता है एकदम। फ्राइज इसको बहुत पसंद है। अभी ये देखो सब करेगा, सब सिट डाउन, राइट लेफ्ट नो, ये बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मैंने बॉब को। बोले नहीं तब तक खाता नहीं, हम खा रहे होते तो बीच में मुंह मारता नहीं, सिंसियरली बैठता है। ये देखो फुल कॉन्सेंट्रेट, मैं बोलूँगा खा तो खाएगा। ईट, अच्छा बच्चा। अभी जब खाना नहीं रहेगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, ना तो सीट करेगा ना तो आईफाई। खाना देखते ही ये पागल, पूरी दुनिया का पागल इंसान हो जाता है। आपके वहाँ भी डॉग है तो आपके वहाँ के भी ऐसे ही है खादड़े, वो कमेंट करो आप। ये मेरा वाला तो मेरे को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा वो खाने के लिए पागल है। मैं क्या बना रेली है? दाल फ्राई, होटल जैसी फिक्स स्टाइल। कौन सी दाल बना रही है? दाल फ्राई। ये क्या डाला है? टमाटर। ये तो पाव भाजी जैसा लग रहा है, उस दिन बनाई थी वैसी ही बनाना, और साथ में मस्त सलाद। सो भाई लोग, भाई तुम इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं बोला तो आपकी कमेंट में अवॉइड नहीं करता, लेकिन उसको जब सही रिप्लाई देना आया तब मैं देता हूँ। तो आप लोग, बहुत लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई ओल्ड ऑफिस कहाँ है, ओल्ड ऑफिस क्या है, क्या चल रहा है ओल्ड ऑफिस पे, ओल्ड ऑफिस देखनी हमें, दिखाओ। आई नो बहुत सारी थाउजेंड गिन नहीं सकते, इतनी अच्छी अच्छी सारी मेमोरीज है यहाँ पे। तो आप लोग बहुत जुड़े हुए हैं उससे तो हम नकार नहीं सकते उस चीज़ को। तो बस आपको वो दिखाने आया हूँ कि यहाँ पे अभी क्या है। सो देखिए गाइस, चेक दिस आउट, हमारी पुरानी ऑफिस भाई, कितनी मेमोरीज। ठीक है, जो हुआ जब होता है, जब होना है वो ऊपर वाला ही करता है, जो उसकी मर्जी समझ के हम एक्सेप्ट करना चाहिए। हम जानबूझ के कुछ चीजें नहीं करते, कुछ चीजें हमारे लिए हानिकारक होती है, कुछ चीजें किसी के लिए कहीं जा अलग होके अच्छी होने वाली होती है, इसलिए ऊपर वाला सब करता है। तो बस जो हुआ वो हो गया, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने जो मेमोरीज बनाई है ना, वो मेमोरीज भाई फिर से वापस नहीं आने वाली, लेकिन ब्लॉग में कैप्चर्ड है, तो जब भी मन होगा देखेंगे। यार क्या दिक्कत है, बाकी ये ऑफिस है, लेकिन अभी ये रेंट पे जा चुकी है। ये यहाँ पे रहता है कोई, नसीब वाला होगा ना,
जो यहाँ पे रहता है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक फैमिली रहती है छोटी सी, उनको रेंट पे दिया हुआ है क्योंकि भाई ऐसे पड़ी रहती हूँ, मेरे को यहाँ पे अलग से रूम बनाना नहीं था, पता है ना, यहाँ पे फिर आऊँगा फिर वही सारी मेमोरीज रिवाइंड होगी, तो पड़ा ही रहता वैसे भी, तो भाई रेंट पे ही लगा दिया तो मेंटेन रहेगा एटलीस्ट, बस बाकी अंदर का सब चीज़ें वैसी ही है, बस थोड़ा किचन टाइप कुछ बना दिया है जिससे फैमिली रह सके। बाकी ये है भाई, चेक दिस आउट, ये अपनी ऑफिस बहुत मेहनत से बहुत शिद्दत से बनाई थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गम नहीं है, सब खुश रहो, अच्छा होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा ही समझ के चलेगा। तो आज मुझे टाइम मिला और एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली मैं ऊपर आ गया, ये यूट्यूब वाला सिंबल, ये जब देखता हूँ ना अभी भी तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। ये हमको लेके नए ऑफिस लगाना था लेकिन फिर नहीं लगाया कि नहीं ये जो है एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते, क्योंकि वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत सारा फर्नीचर किया हुआ है, तो बस अपना ऑफिस भाई मज़ा ही आ गया देख के, मैं तो देखता रहता हूँ लेकिन आपको दिखाते वक्त जो मुझे बोलते बोलते फील हो रहा है ना वो अलग है। और भाई यहाँ पे एक मेरे सीक्रेट प्लेस थी, सीक्रेट है नहीं लेकिन मेरे लिए वो प्लेस थी जो किसी को ऐसा पता नहीं है, जब मैं एकदम सैड हो जाता हूँ, अभी भी बहुत कम होता हूँ लेकिन उस सिचुएशन में था तब, बहुत सारी सिचुएशन थी ग्रुप को लेके, मेरे पास्ट को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें होती तब मैं इधर बैठ जाता था, पर अभी जो आपकी भाभी है वो ऐसी नौबत आने ही नहीं देती, तब मैं सोचता था कि यार क्या हो गया यार, फिर नहीं मिलेगी मेरे को ऐसी वैसी, लेकिन भाई आप की लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है ना तो वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, ऐसा समझ लो, क्योंकि जब वो होगा तब आपको पता चलेगा, जैसा मुझे अभी फील हो रहा है मेरी लाइफ में जो आपकी भाभी है बहुत बहुत टच वुड बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है मेरा, बहुत नेचुरल है, घर का मम्मी पापा का ध्यान रखे ऐसा चाहिए था, तो वो भी है। और भाई जल्दी दूसरी एक गुड न्यूज़ भी दूंगा आपको, बस होप फॉर द बेस्ट, टच वुड वो अच्छे से हो जाए तो आपको देंगे वो गुड न्यूज़। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया ना मत, जन्म मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, बाय बाय टाटा सी यू, आई लव यू ऑल।